जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंतर्गत परसेंटेज। ये क्लास आपके छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम अभी करें, पिछला 10 साल के क्वेश्चन को कर रहे हैं और इसमें देखेंगे कैसे हम चंद लाइनों में, लगभग 2 से 3 लाइन में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में यदि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले बना लिया होता तो मे बी आपका नौकरी अभी तक लग गया होता। ठीक है, तो आज हमारा प्रोसेस रहेगा कि कैसे कम समय में और कम लाइनों में बिना किसी सूत्र के ना, बिना किसी फॉर्मूले के हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भी आदत डाल लीजिए कि बिना किसी फॉर्मूले के बनाना सीखें। फार्मूला आपको अधिक समय तक याद नहीं रहता है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चाहे पूरा वीडियो देख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इन सब क्लासेस हमारे यहाँ चल रही है जो आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा होगा, ठीक है। यदि आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं आज हमारे क्लास की ओर। और ये क्लास है छत्तीसगढ़ के पुराने एग्जाम में, पिछले एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी एक व्यक्ति है ना, कोई एक व्यक्ति है, उसका दैनिक उत्पादन कितना है? 37 सही 1/3% है, ठीक है। एक व्यक्ति का दैनिक उत्पादन जो है 37 सही 1/3% है, जो दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50%, मतलब आधा है। क्या कहा गया है? एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है ए, इसका इफिशियंसी कितना है, या फिर इसके दैनिक उत्पादन का प्रतिशत है 37 सही 1/3 है। यदि इसको भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/3 है। और ये 100/3 है किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है बी, इसके इफिशियंसी या फिर इसके उत्पादन का हाफ है, 1/2 है, ठीक है। लास्ट में हमको दे दिया गया है यदि दूसरा व्यक्ति का दैनिक उत्पादन 1500 है, मतलब वो 1500 स्क्रू बनाता है एक दिन में, तो पहले व्यक्ति कितना स्क्रू बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा है वैसे कर लीजिए। ए का जो इफिशियंसी है, मतलब 100/3 है, दूसरे व्यक्ति के उत्पादन का आधा है। मान लेते हैं दूसरा व्यक्ति 1500 उत्पादन करता है, तो दूसरे व्यक्ति का उत्पादन का आधा है ना ये, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति के उत्पादन का आधा है। अब हमको मान निकालना है, ठीक है। यदि इसका मान निकालना है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमको ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, हम करेंगे 1500 बटा 1/2 है, ऊपर 100 चला, सॉरी ऊपर चला जाएगा हमारा 3 और नीचे रह जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए इस प्रकार से, 2 0 से 2 0 कट गया। बचा हमारे पास क्या, इसका प्रतिशत बोला गया ना, हमने इसको फ्रैक्शन में निकाल दिया, इसमें प्रतिशत भी आपको लगाना हो। ये ऊपर आपका 100 से भी गुना होगा क्योंकि हमको उसका प्रतिशत दिया गया था, तो प्रतिशत हमें निकालना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2250। 2250 स्क्रू बनाता है ए एक दिन में, ठीक है। ये जो है एक दिन में 2250 स्क्रू बनाता है। यदि किसी को डाउट हो रहा होगा कि ये 100 कहाँ से आया, तो इस 100 को हमने यहाँ से लाया है, ये प्रतिशत वाला है ना। हमने केवल इसको भिन्न में चेंज किया था, प्रतिशत नहीं हटाया था, ठीक है। केवल इसका भिन्न चेंज किया था और इसका 1/2 हम प्रतिशत चेंज कर लिए थे। कैसे किए थे, 50% था तो ये कैसे काटे थे, तो 1/2 हो गया था। इसको केवल मैंने भिन्न को सॉल्व कर दिया था, प्रतिशत यहाँ लगाना छोड़ दिया था, बस वही है, ठीक है। बाकी हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि 7.2 किलोग्राम ना, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत है तो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक्स प्रतिशत है, तो 7.2 का एक्स प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत के लिए नीचे हमको 100 लगाना है। और यहाँ देखिए ये 18 ग्राम है ना, तो इनको किलोग्राम में बदलना है। किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है तो x को इस साइड रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ों को उस साइड ले जाते हैं। तो ये 18 गुना, ये जो नीचे वाला 100 है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर में हमारा था 7.2 × 1000, ठीक
है, इसको सॉल्व करेंगे तो चाहे तो आप इस जीरो को हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, एग्जाम में आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं करना है, आपको एक ही स्टेप में लेके चलना है। नीचे का एक ये दशमलव हटाना है तो मुझे एक जीरो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया, फिर आ जाएगा 72 दशमलव, ये 1000, 1000 से पूरे 1000 कट गया, ये होता है 1 और 4, 74 हो जाता है आपका 72, तो ये हो जाएगा 1 और 4। लेकिन हमको ऑप्शन किस में दिया है, प्रतिशत में दिया, लेकिन हमको ऑप्शन क्या है, प्रतिशत में दिया है, तो आप इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। प्रतिशत में किसी चीज पीछे को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको प्रतिशत में यदि कोई भी चीज़ को चेंज करना है तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए आगे गुणा करके निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, यदि हम 1/2 को प्रतिशत में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक ये हो जाएगा हमारा 50%। 50% आया कैसे, हमने 100 को क्या किया, 100 को हमने क्या किया, नीचे ऊपर गुणा कर दिया। किसी भी चीज को यदि हमको प्रतिशत में चेंज करना रहता है फ्रैक्शन को, तो हमको उसको 100 से गुणा करना होता है, कि हम 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और ये 25, ठीक है, तो 25% है ये, 25% आ जाएगा, ठीक है। वैसे 1/4 का मतलब ही 25% होता है, ठीक है, 1/4 का मतलब ही 25% होता है। अगला प्रश्न है, दो टेलर हैं एक्स और वाई, उनके नियोक्ता ने उनको कुल 555 प्रति सप्ताह प्रदान किए। नियोक्ता मतलब जो जो उनसे काम लेता है, उसका जो मालिक है, उन दोनों को 550 रुपये दिए। एक्स की राशि वाई की राशि से प्रदान की गई राशि से एक 120% अधिक है, 120% है, या फिर 120% या फिर 20% अधिक है। तो क्या कहा गया है, एक्स वाई को जो एक्स को जो राशि दिया गया है, यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि से 120% है, तो हमको वाई को प्रदान की गई राशि का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। तो क्या कहा गया, यदि वाई को 100 मिलेगा तब एक्स को 120 मिलेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक्स को 6 मिला है और वाई को 5 मिला है, टोटल 11 मिला, लेकिन टोटल हमारे पास दे दिया गया है 55, तो 11 का बराबर हो जाएगा 550, 550 है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक की वैल्यू मिल जाएगा आपका 11, 11 × 5 = 50, तो एक की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है। निकालना किसका है, वाई का, तो वाई का रेशियो में वैल्यू कितना है 5, और रियल हमने कितना निकाला है 50, 5 में 25, 250। तो वाई को 250 रुपया अधिक मिला है, वाई को 250 रुपया अधिक मिला है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और एक और तरीका देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी की मजदूरी में कंपनी द्वारा 20% कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः वापस लाना है ना, पहले जैसे करना है, तब उस बढ़ी हुई मजदूरी में हमको उस है ना कटौती की गई, तो उस कटौती की गई मजदूरी में हमको कितना प्रतिशत और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो पुराने दर पर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको दिया गया है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब है पहले जो है उसकी मजदूरी 5 थी और कम की गई है, मतलब माइनस करना है, तो अब 4 हो गया, ठीक है, अब 4 हो गया, तो इसी 4 पर हमको बढ़ाना पड़ेगा ना, वापस यदि हमको 5 लाना है तो इसी 4 पर बढ़ाना पड़ेगा, और अंतर कितना है, तो अंतर है 1 का, तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, इसी 4 पर बढ़ाना है, तो हमको 4% निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 25%। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति किसी कर्मचारी की मजदूरी को 20% घटा दिया गया, वापस उस मजदूरी को लाना है तो हमको उसका 25% बढ़ाना पड़ेगा, ये इसका वैल्यू है। इसका यदि हम चाहें तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, ये देख लीजिए, मान लेते हैं कि मैं पहले 100 रुपये कमाता था, ठीक है, 20% कमी कर दिया तो मुझे अब 80 रुपये मिलता है, ठीक है। लेकिन वापस यदि मुझे इस 100 रुपये के पास जाना है, तब मैं क्या करूँगा, इस 80 का 25% बढ़ा दूंगा, तो 80 का 25% कितना होता है, तो ये मैंने ये हो जाएगा हमारा 100, 25 × 100, और ये हो जाएगा 4 × 8, मतलब 80 का 25% हो जाए 20, यदि 20 रुपये यदि मैं इस 80 में वापस जोड़ दूँ तो मुझे वापस 100 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा,
यही कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका विथ एग्जाम्पल के साथ, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे बना लीजिए, कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि वापस कैसे बढ़ाया जाए या फिर पुनः उस वैल्यू को कैसे प्राप्त किया जाए, तब जो लास्ट वैल्यू रहेगा बाद वाला उसमें आपको प्रतिशत निकालना है जो अंतर रहेगा उसका, फिर आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटा दिया गया तो वेतन में कितना परिवर्तन होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी देखने को मिलती है, याद रखना। सेम रेट बढ़ाता है और सेम रेट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि उसकी वेतन में कमी हो रही है। ठीक है, कितना हो रहा है देखिए, इसके लिए तो एक सूत्र भी है छोटा सा, R²/100। फॉर्मूला में मान रख लीजिए आर का मतलब होता है रेट जो दिया है, 10% घट रहा है और नीचे 100, ये एक एक कम है, तो इसका 1% जो है वैल्यू कम हो गया, या फिर इसका जो वेतन जो है 1% की कमी आ गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, ए, कि 1% की उसके राशि में कमी आ गई। ये तो था आपका इससे कि ये आप फॉर्मूले से बना लिए। यदि इन केस यदि आप फॉर्मूले से नहीं बनाना चाहते तब कैसे बनाते हैं इसको, ये देखिए, यदि आप इसको फॉर्मूले से नहीं बनाना चाहते तब कैसे बनाते इसको, ये देखिए। मान लेते हैं पहले कोई व्यक्ति, मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले पहले और ये पहले को 100, 10% बोला गया है ना, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे अच्छा है, ये हो जाएगा 1/10। पहले 10 था, ठीक है, बढ़ा दिया गया तो ये 11 हो गया। ठीक है, अब उसमें घटाया गया तो पहले 10 था उसमें माइनस कर दिया गया, माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 10 × 100 हो जाएगा और 9 × 99। अब यहाँ से हमेशा आपको पता चल जाएगा पहले 100 था अब 99 मिल रहा है, मतलब कमी हुई कहीं ना कहीं, तो ये वृद्धि वाला काट दीजिए और 0 काट दीजिए। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, अब कैसे करेंगे, कितना का कमी आया, तो 1 का कमी आया, किस पर, पुराने वाले पर ना कि नए वाले पर। ठीक है, तो किस पर कमी आया है, 1 का कमी आया है किस पर, पुराने वाले वैल्यू पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, बचा हमारे पास 1, तो यही हमारा आंसर। एक नगर में 25% परिवारों के पास फोन है, 15% परिवारों के पास कार है, 65% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है ना तो फोन है, 2000 परिवार के पास कार और फोन दोनों है। तो नीचे लिखे कुछ कथन पर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बतानी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम ये बात से कहा गया है कि पहले मान लेते हैं 100% था, उसमें से 65 के पास तो कुछ भी नहीं है ना, ना तो फोन है ना कार है, तो बचे कितने, 35, जिसके पास आपके पास फोन भी है ना, जिसके पास मैं मोबाइल लिख देता हूँ, और कार भी है। ठीक है, कार भी है, ठीक है, ये तो 35% ऐसे हैं या फिर 35 ऐसे हैं जिनके पास फोन और कार दोनों है, लेकिन हमको कुछ डाटा यहाँ दे दिया गया है 25 और 15, है ना, तो 25 के पास क्या है, फोन है, और 15 के पास क्या है, कार है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 5 5 10, और ये हो जाएगा हमारा 40। तो क्वेश्चन के हिसाब से 40 के पास दो दो चीजें हैं और प्रतिशत के हिसाब से 35 है, तो ज्यादा को कम में माइनस कर दीजिए, ऐसा जब भी होता है ना ओवर क्रॉस होगा तो आपको माइनस करना है, आएगा हमारा 5। तो ये हो गया बोथ, इन दोनों के पास है, 5% ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें हैं, है ना। तो और क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, ठीक है, तो 25 के पास हमने निकल गया, हमारे पास 5% ऐसे हैं जिनके पास कार और फोन दोनों है, और कुछ वैल्यू हमको दी गई है 2000, तो 2000 के पास कार और फोन दोनों है, और हमने प्रतिशत में निकाला है 5% के पास बोथ, मतलब कार और फोन दोनों है, तो 5% का अर्थ हो जाएगा, सॉरी हम प्रतिशत के, मैं सॉरी लिख लेता हूँ, पर प्रतिशत हम 100 के अंदर आते हैं, तो इनके पास 2000 ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमको निकालना है 100% पर, तब क्या करेंगे हम, 100% पर निकालना है, तो ये 2000 × 100/5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 बार में 2000 का 4 गुना हो जाएगा, सॉरी ये 5 × 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 4 2 2 4, ये हो जाएगा हमारा 40,000। 40,000 ऐसे है टोटल, ठीक है, 40,000 टोटल वहाँ की क्या हो गई, परिवार हो गई, जनसंख्या हो गई टोटल। तो अब देखते हैं नीचे कौन कौन सा हमारा सही या गलत है, तो देखिए 10 परिवार के पास कार और फोन दोनों हैं, तो हम तो पहले ही बता दिए हैं कि 5% ऐसे हैं जिनके पास कार और फोन दोनों हैं, तो पहला ऑप्शन तो गया,
35% परिवार के पास या तो कार है या तो फोन है। ये ऑब्लिक इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 15 और 25 को जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा सही होगा। 40, तीसरा ऑप्शन कहता है कि नगर में 40,000 परिवार रहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके हिसाब से 2 और 3 हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य सर वापस आ जाए। सेम वही क्वेश्चन है ना, पहले बढ़ाया जा रहा है, अब पूछा जा रहा है कि उस बढ़े हुए पर हम कितना कम करें कि वो हमको पुराना वैल्यू हमारा वापस आ जाए। ठीक है, तो 25% लिखा गया है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो पहले उसका रेट 4 था, अब हो गया है 3, क्योंकि सॉरी बढ़ाया गया है ना, सॉरी बढ़ाया गया है, तो ये 5 हो जाएगा, ये प्लस हुआ है। ठीक है, बढ़ाया गया है तो हमको घटाना है। तो पहले अंतर देख लीजिए, है ना, अंतर 1 का है, 1 का है तो 1 लिख लीजिए। और हमको किसके सापेक्ष निकालना है, इस 5 के सापेक्ष, क्योंकि बढ़े हुए पर ही हमको कम करना है। इसके लिए हम 5 नीचे रखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 5/100। तो 20% हमको उसका मूल्य कम करना होगा। ठीक है, 20% मूल्य कम करना होगा, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके बता दिया है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, यदि ये कहा होता तो कितना प्रतिशत बढ़ाए दो, तो पता ही चल गया कितना प्रतिशत बढ़ाए, 4 में 1, यहाँ यहाँ 4 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब 25% तो वृद्धि हुई है, वो तो पहले ही लिखा हुआ है। उल्टा निकालना रहेगा, तो आपको नेक्स्ट वैल्यू पर प्रतिशत निकालना होगा। 3 परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा का कुल योगांक है 500, एक विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में 45% और 55% अंक प्राप्त होते, उनको समग्र 60% अंक लाने के लिए और कितना, तीसरा परीक्षा में और कितना अंक लाने की आवश्यकता। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पहले कहा गया है कि 3 परीक्षा में प्रत्येक का 500 है, तो टोटल 1500 हुआ, 500 × 3, तो ये हो गया हमारा 1500 अंक। अब इस पूरे 1500 में हमको 60% लाना है। ठीक है, तो इस 1500 का 60% कितना हो जाएगा, तो इसका 60% निकाल लेते हैं, ये डबल, ये 0 कट गया है ना, ये हो गया 15 × 6 = 90, 900 टोटल हमको 900 की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया कि हमको 900 नंबर लाने होंगे तभी हम 60 अंक प्राप्त कर पाएंगे, 60 अंक प्राप्त कर पाएंगे। अब दिया गया है कि प्रथम में उन्होंने 45% प्राप्त किया और सेकंड में 55%, और प्त्येक का अंक कितना था, 500। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पहले वाले का, पहले 500 का 45% कितना होगा, तो ये गया 45 पंचे, कितना होता है 45 पंचे, आपका हो जाता है 45 पंचे हो जाएगा आपका 225, है ना। तो पहले एग्जाम से उन्होंने कितने अंक प्राप्त किए, तो 225 अंक प्राप्त किए। सेकंड एग्जाम भी 500 अंक का था, उसमें उन्होंने 55% अंक प्राप्त किए, 00 से 00 कटा, 55 पंचे हो जाएगा 275। टोटल अभी तक कितने अंक प्राप्त किए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, और ये 7 3 10 फिर हो गया, है ना, 5 5 10, और ये 7 7 1 8, 8 9 1 10, ये हो गया, फिर ये हो गया। टोटल उनके द्वारा 500 अंक अभी तक प्राप्त कर लिए गए हैं, एक में 45% और एक में कितना, 55%। ठीक है, तो उन्होंने अभी तक टोटल कितना अंक प्राप्त के लिए, 500, और 60 अंक लाने के लिए तीसरा परीक्षा भी शेष है ना, तो उनकी उसको कितना अंक लाने होंगे। देखिए प्रतिशत की बात नहीं किया गया है, अंक की बात किया गया है ना, तो 900 में आप 500 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 400 अंक लाने होंगे तीसरी परीक्षा में, उनको 400 अंक लाने होंगे। यही अगर प्रतिशत की बात करता तो 500 में यदि हम प्रतिशत निकालते, तो देख लेते प्रतिशत निकाल के, तो 400 को आप 500 से भाग कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, इसका प्रतिशत निकल जाएगा, है ना, 5 5 8 40, तो उसको 80% लाना पड़ता, तब कहीं जाके समग्र उनका 60% अंक प्राप्त होता। ठीक है, यहाँ आप इतना कैलकुलेशन किए हैं, यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ अंक तो समान है प्रत्येक परीक्षा के लिए 500, ये 4500 है और ये 5500 है, इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, ये टोटल है ना, ये टोटल आपका हो जा रहा है 100%, है ना, 45 और 55 100%, तो ये 100% 500 ही हो जाता है। या तो आप ऐसे कैलकुलेशन करते या सीधा 500 लिख देते तो भी आपका काम चल जाता। अगला प्रश्न है, 5.2 किलोग्राम
20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की आवश्यकता नहीं होगा, सीधा जो लिखा है उसको लिख दीजिए। 5.2 जो है, देखिए जब भी आपको पूछेगा ना का, तो किसको नीचे रखने ऊपर, बस यही आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम है, लेकिन कहा गया है कि 5.2 20 का कितना किलोग्राम है, तो 20 को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। अब प्रतिशत कहा गया तो 100 से गुना कर दीजिए। ऊपर एक डॉट है, डॉट को हटाने के लिए नीचे जीरो लगा देंगे तो ये 52 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, नीचे एक जीरो लगाएंगे तो ये 200 हो जाएगा। 00 से 00 कट गया और 52 का आधा हो गया आपका 26%। तो 5.2 जो है 20 किलोग्राम का 26% इक्वायर करता है। इसी गांव की जनसंख्या जो है 3 वर्ष पहले 2,50,000 थी। यदि जनसंख्या पिछले 3 सालों में क्रमशः 3%, 4% और 6% बढ़ी हो, तो उस गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। कुछ नहीं कहा गया है, आपको क्रमशः उसमें बढ़ाना है। तो क्रमशः बढ़ाने के लिए जैसे आप हम क्रमशः बढ़ाएंगे तो इसका आंसर आते जाएगा, ठीक है। और मैंने ये बताया है कि 3%, 4 से 6%, यदि अगर बढ़ा माना गया, और इसका मतलब है कि आप उसको 100 में जोड़कर ही लिखेंगे, तो मतलब 103% बढ़ गया। उसी प्रकार ये 104% हो जाएगा और ये 106% हो जाएगा। इसका 2,50,000, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2,50,000, तो ये हो गया 2,50,000। 2,50,000 में सबसे पहले आपका बढ़ रहा है पहला वर्ष 3%, तो ये हो गया 103/100। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें से आपको 104% बढ़ाना है, तो ये बढ़ा दिया हमने। अब 106% बढ़ाना है, तो ये भी बढ़ा दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि सॉल्व करके ही बढ़ाना है, आप एक साथ ही बढ़ाना ताकि आपका आंसर अलग आंसर आए। अब इधर 4 जीरो, तो 4 जीरो को खत्म कर दीजिए, 1, 2, 3 और 4। इधर 25 है, ठीक है, 25 है, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100। 25 चौके 100 हो गया, ठीक है, ये हो गया 25 चौके 100। और काटने के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको अलग से विजिबल हो जाए ये। अब देखिए, या तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, आंसर बहुत बड़े वाला है आने वाला है, या फिर देखिए सबका यूनिट डिजिट अलग है, यदि हम यूनिट डिजिट भी निकाले तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4 है, इसको हम इसको काट देंगे। काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 हो गया, 2 बचा और 6, ये 26 बार में चला जाएगा। अब ऊपर के इकाई अंक को गुना कर लीजिए, 3 गुना 6 गुना 6, 6 6 के 36, फिर ये 3 को गुना करेंगे तो 6 3 18, इकाई अंक 8 आ रहा है, तो इकाई अंक 8 किसमें है, इसी में। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आंसर यही हो। या तो पूरा गुना कीजिए, यदि इकाई अंक अलग है तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इकाई अंक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकान में यह लिखा था कि पहला जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50% और तीसरा लेने पर 80%, चौथा जैसे लेंगे तो वो मुफ्त हो जाएगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने 700 रुपये का जींस लिया, दूसरा 800 वाला लिया, तीसरा 2,000 रुपये वाला लिया, चौथा 4,000 रुपये वाला पसंद किया, तब उसके पास कितना भुगतान करना पड़ेगा। कहा गया है पहले एक जींस लेंगे तो आपको 30% का छूट दे देंगे, और जींस लेंगे तो 50 का देंगे, और लेंगे तो 80 का दे देंगे, और चौथी बार लेंगे तो उसको फोकट में दे देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे आपसे। ये कहा गया है दुकानदार के द्वारा, जैसे हमको तो आपसे वैसे कोई ऑफर मिला नहीं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया, तो उसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, जींस है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कि रेट बता गया है ना, इस टोटल इसका रेट नीचे दे दिया गया है। देखिए पहला जींस का अमाउंट है, मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, पहला जींस का अमाउंट है 700, लेकिन इसमें 30% छूट है। 30% छूट है मतलब 100 में 30 गया 70, तो हमने उस जींस का 100 में 70% ही पेट किया, तो 00 से 00 काट दीजिए, 7 7 होता है 49, 490 रुपये पहले जींस का 490 रुपया पेड किया गया, ठीक है, पहले जींस का 490 रुपया पेड किया गया। अब चलते हैं सेकंड जींस के पास, सेकंड जींस को खरीदा गया है 800 रुपये में, ठीक है, ये 800 रुपये में खरीदा गया है। इसमें कितना छूट दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 50% छूट दिया गया है, 50% छूट, मतलब 50% ही उसको देना है, आधा देना है, ये हो जाएगा 00 से 00 कटा, 8 5 40, इसको हमको 400 रुपये देना है। वैसे साफ दिख रहा था, वैसे मैं सॉल्व करके दिखा दिया, 50% मतलब उसका आधा देना है, तो 800 का आधा होता है 400, ठीक है। तीसरा जींस हमने लिया था, मतलब हमने नहीं, क्वेश्चन के द्वारा लिया गया है 2,000 रुपये में, 2,000 रुपये में तीसरा जींस लिया गया है, और दुकानदार के द्वारा इसमें 80% छूट दिया गया है।
80% छूट है, मतलब उसमें हमको केवल 20% ही पेड करना है। हर चीज अपने आप में 100 होता है ना, 100%। 80 छूट गया तो 100 पेड करना है। 00 से 00 काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, टोटल कितना पेड किया गया, ठीक है टोटल कितना पेड किया गया, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 है ना, ये 400 400 यहाँ भी 400 है, 4 तिया 12 और 9, मतलब टोटल 1209 रुपया पेड किया गया है। लास्ट जीन जो चौथा, ये 4000 का था ना, 4000 का भी जींस लिए है, ये फ्री है, ये फ्री था दुकानदार के कहे अनुसार, तो इसको तो हमको ऐड करना नहीं है, बाकी इन तीनों का ही वैल्यू हमको ऐड करना है। तो 4 चौका, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 तिया, ठीक है 4 तिया 12 और ये 9, 1209 रुपया। ठीक है, तो इतना ही उस व्यक्ति को भुगतान करना है, और 4000 का उसको फोकट में जींस मिल गया। अगला प्रश्न है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% हो, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो, ठीक है तो ए और बी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये तो बच्चा वाला क्लास है, बच्चा वाला प्रश्न है, तो ए और बी ले लेते हैं, जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया उसको हम 100 मान लेते हैं ना, तो ए कम है बोला गया ना, तो ए को छोड़ो, बी को 100 मान। अब कहा गया इससे 40 कम है, 40 कम मतलब 60 होगा, यही होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, अब अंतर कितना आ गया, 2 का अंतर, तो जो अंतर आएगा उसको हमको ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है ये ध्यान से देखिएगा ना। तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, देख जहां से वाला वर्ड आया ए से तुलना करना है, तो ए कितना है, 3 है, और इसको हम 100% के लिए गुणा करेंगे। अब 2/3 कितना प्रतिशत होता है, 2/3 का मतलब होता है 66.65%, या फिर 66 सही 2/3% होता है इसका मतलब। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, वैसे यदि आपको फ्रैक्शन याद है तो आंसर हमारा यही है। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए, ये 200 हो गया, 3 से भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 3 छके 18, 18 हो गया, फिर से 0 उतारिए, 3 छके 18 फिर हो गया, बचा 2, ये हो गया 66 सही 2/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना सवाल आपको नहीं करना है, आप कम से कम इतना याद होना चाहिए कि 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर समय लग जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स माइनस वाई का 50%, एक्स प्लस वाई का 30% हो, तो एक्स और वाई कितना प्रतिशत है, तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, इसमें क्वेश्चन में ये दे दिया गया है। अब क्वेश्चन को हम जैसा कहा गया है उसे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी इसमें करना कुछ भी नहीं है, जैसा दिया गया बस वैसे पुटअप। इस का मतलब होता है गुना, इस का मतलब होता है गुना, तो हमें लिखते हैं एक्स माइनस वाई इंटू, इसको आप कोष्टक में डाल दीजिए, 50%, 50% को आप 100 लिख सकते हैं या प्रतिशत का साइन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कोष्टक में रहेगा, नीचे 30 रहेगा, गुना कर सकते हैं, और नीचे 100, नीचे 100, ये भी 100 काट दीजिए, बचा हमारे पास क्या, 50 को हम अंदर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 50x-50y बराबर 30x-30y। अब एक्स वाई को अपने अपने साइड ला लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कौन क्या है, माइनस को इधर फेंकेंगे, ये हो जाएगा 50x-30x-30y+50y, यहाँ वाई है, मैं लिखना छोड़ दिया, ये वाई। अब देख लीजिए क्या, 50 में 30 गया 20x, और 30 और 50 होता है आपका 80x, 30 और 50 होता है 80x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 से काटेंगे, 20 से कट जाएगा, 20 एकम 20, और ये हो जाएगा 20 चौके 80, तो x बराबर, सॉरी ये वाई होगा ना, 4y, x बराबर हो जाएगा 4y। y की वैल्यू निकालना है हमको, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको फ्रैक्शन में निकालना है, तो कैसे देख लीजिए, लास्ट में पूछा गया है कि y x का कितना प्रतिशत है ना, बस इतना ही पूछा गया, y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का पूछा है ना, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक y का मान निकाल लेते हैं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा, y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/y बराबर हो जाएगा x/4, ठीक है, y का मान आ जाएगा x/4, या फिर हम सीधा यही सी वैल्यू में पुट अप कर देंगे, पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का हमको निकालना है 4y के बराबर, x के मान है, बाकी इसको हम 100 से गुना करेंगे इस प्रकार से, ठीक है।
या फिर इसको ज़्यादा दिक्कत ना करके हम पक्षांतर ही कर लेते हैं, तो एक्स बटा वाई हो गया, ठीक है, ये एक्स ऊपर है और नीचे वाई है, तो वाई का वैल्यू 1 हो गया, एक्स का वैल्यू 4 हो गया, बस इतना मान चलेगा तो हमारा काम बन जाए। अब पूछा गया है कि वाई जो एक्स का कितना प्रतिशत है, वाई जो है वाई का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 4 है, प्रतिशत में निकालने के लिए हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25%। इसको हमने रेशियो में बताया कि किस प्रकार इसको इंटरचेंज करते हैं। इसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी जो है गणित में, और 75% विद्यार्थी जो है गणित और अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए, 40 विद्यार्थियों को दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितना उत्तीर्ण हुआ, तो हमको दिया गया है कि 80 विद्यार्थी हैं, 80% है जो किसमें है, तो इंग्लिश में, 85% जो विद्यार्थी हैं जो हमके मैथ्स में उत्तीर्ण हुआ है, ये मैथ्स टोटल करेंगे, या फिर एक डिग्री टोटल, ये भी दिया है ना अंतर, दोनों वाला दिया बोथ, तो इसको माइनस कर दीजिए, इन मैथ्स और इंग्लिश वाला, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90। तो 90% ऐसे हैं जो दोनों में पास हो गए हैं, ठीक है, ये बोथ दोनों में पास हुए, या तो इसमें पास पास लेने हैं फेल लेने, हमने यहाँ केवल पास वाला लिया, उत्तीर्ण वाला लिया, उत्तीर्ण वाला लिया। तो 90% ऐसे लोग हैं, ये 90 है ना, 90% ऐसे लोग हैं जो दोनों में पास है। हमको डाटा आगे क्या दिया गया है, तो 80 विद्यार्थी जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई। यदि 100 में से 90 दोनों में पास हैं, तो 10 ऐसे हैं जो दोनों में फेल होंगे, ठीक है, और फेल वाला डाटा हमको यहाँ दे दिया गया है, तो 10% का वैल्यू है हमारे पास 40। पूछा क्या गया है, कुल, कुल मतलब 100%, कुल मतलब 100%, तो ये हो जाएगा 10/40/10 × 100, ये 50/400, तो टोटल 400 संख्या है उस विद्यार्थी। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 36% होना चाहिए। एक छात्र ने 113 नंबर लाया और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक उसमें कितना है, बस यही बताना है और क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि वो 36% लाता तो पास हो जाता, लेकिन वो लाया कितना था, 113 प्लस कितने अंक से कम हो गया, 85, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 36% का मान कितना हो गया, 5 × 3 = 8 और 8 × 3 हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा हमारा 98, 198, मतलब 36% का अंक है, यदि वो 198 नंबर लाता तो पास हो जाता, जो 36% है, तो हमको क्या कुल पूर्णांक पूछा है, तो इसका 100% निकालना पड़ेगा। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 198 बटा हो जाएगा 36, गुना करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे, हमारा मान यहाँ पे रेडी है 550, ठीक है, 550 इसका आंसर। तो ये था आज का हमारा क्लास, ये अभी तक हमने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन, अब 20 क्वेश्चन और आने की संभावना है, ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशन करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।